उल्टा मैंने जो है ठंड तो इतनी कैडी है, देखो ये देखो। क्या नाम है? राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय। So guys, ये अपना कॉलेज सेंटर। ये भाई ये तो कट रही जहर लग रहा दिखे भाई अंदर से, तो भाई पूरा भाई बीआईपी मामला दे रहा भाई। रोहिणी में घूमते घूमते जेजे वाले भैया के पास भी पहुंच ही गए। राम राम जी दोस्तों, सो गाइस कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है हमारे नई वीडियो में। सो गाइस आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग चालू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कहीं आना जाना ही नहीं हो रहा था, तो फाइनली आज हम कहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर के जो हम हैं बीए फर्स्ट ईयर में, मैं दीपू टीटू अमन, तो उनके नेक्स्ट मंथ से पेपर चालू होने वाले हैं। अभी चल रहा है मई, अब जून से चालू होने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं आज फाइनली अपने एग्जाम सेंटर देखने। सारे अपना वेट कर रहे हैं, जल्दी चलते हैं और मिलवाते हैं आपसे। बाकी फुल रेडी हो चुके हैं, तो कैसे हो आप सब लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बहुत दिनों से आपसे ही बात नहीं हुई, बहुत दिनों से आपके लिए भी कुछ हमने बना के डाला नहीं है, तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो भी आ रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताना और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक जरूर करें भाई। और भाई आज हम जब कॉलेज सेंटर देखने जा रहे हैं, तो आज हमने अपनी हैंडमेड चप्पल भी पहनी है, स्लीपर्स भी पहनी है। कमेंट कर बताना भाई कैसी लग रही हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर ही आप देख सकते हो जाकर, और आप कमेंट करो किसी और चप्पल को भी ऐसे कुछ बनाना है, कुछ नया डिजाइन देना, तो हम वो ही बना देंगे। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं भाई हम भी। तो भाई इसे देखो, ये इत्तफाक से हुआ है पर सेम हो गया है ना। राम राम भाई। राम राम भाई। सर क्या हाल है? तो भाई दिखाओ भाई, मैनेजर का मैनेजर हूं, पता नहीं कौन मैनेजर। तो मैं कमल भाई का मैनेजर हूँ, और कमल भाई बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं, चाहे तो कुछ साफ रहे ना रहे, दिल के बहुत साफ। मैं भी हूँ। तू भी है। अमन नहीं आया भाई, अमन किसी कारण से नहीं आया, वो नेक्स्ट मतलब वीक चला जाएगा जैसे भी है। और दोस्त भी हैं, वो भी जाएंगे तो उनके साथ चला जाएगा वो। बाकी देखो लौंडा तो पूरा मैनेजर ही लग रहा है, वेल नीचे नीचे पैंट बिल्कुल मैनेजर पर है नहीं। अब क्या बहुत लंबी है, पूरी स्टेशन तक बैग चली गई यार। पहली बार भेजी थी तो भाई जिंदगी में पहली बार हुआ था। ये कहीं और जा रही हो, किसी और लाइन के लिए गलती से आ गए, भटकते हाँ भटकते भटकते आ गए। दिल्ली में तो बहुत बढ़िया यार, क्या करे वो। सो भाई दूसरी आ चुकी है, पहली वाली तो भेजी थी कहते चली, दूसरी वाली ना करे बस। हम सही खड़े थे, हमारे सामने गेट था, दो में तीन घर झाड़ू पोछा करने पड़ेगा फिर इसमें। कर लेंगे अपने घर में, कौन नहीं करता, बस सब करते हैं, पर ये घर थोड़ी ना, ये तो मैटर हुआ ना लेंगे। सो गाइस रोहिणी ईस्ट में है, बहुत गर्मी हो रही है गाइस, 45 डिग्री होगा और क्या, 45 डिग्री हो चुका है। और भाई जेजे वाले भाई की जो दुकान है वो थोड़ी पीछे है, बट उनसे अगले वाला स्टेशन है, दर्शन ले आ जा। बिल्कुल ही हाथों में पैरों में मेहंदी लगा रखी है। फॉलोवर खड़े हैं, फॉलोवर। अब ये तो खींच खींच के लगो भर रहे हैं रिक्शों में। सो गाइस ये है रोहिणी वेस्ट, ठीक है, और यहाँ से हम जा रहे हैं कॉलेज। हमारे दो कॉलेज हैं, दो कॉलेज कैसे कैसे हैं, पहले कॉलेज हमारे ऐसे कह रहे हो जैसे कि हमारे, अरे जैसे भी ये पढ़ने वाले हैं, एग्जाम देने वाले, ठीक है पूरा, अभी वो हमारे हैं 2 महीने तक, जब तक पेपर है ठीक है, फिर हमारे ही हैं। मेरा दीपू का और अमन का एक है, और टीटू का अकेला अलग है भाई, क्योंकि जब तक हमने रजिस्ट्रेशन करे तब तक फुल हो चुकी थी सीटें, तो इसलिए ये अलग रह गया। हाँ एक बात बता दें, अमन ने हिंदी ली है, बस समझ जाए तो ठीक है, वो आप समझ सकते हो कि कॉलेज की हिंदी कितनी शुद्ध और कठिन होती है। तो अभी जा रहे हैं पहले हम मेरे दीपू के और अमन के कॉलेज में, उसके बाद जाएंगे टीटू कॉलेज में। टीटू कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर दूर है हमारे कॉलेज से, 1.5 किलोमीटर दूर है ना। हाँ सबको ही मेरे डिस्टेंस से पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि साथ में एक साथ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पारा पड़ रहा होगा भाई? मतलब भाई 45 डिग्री हो रहा सेल्सियस, ठीक है सेल्सियस सेल्सियस डिग्री।
सेल्सियस मैंने सही क्यों नहीं बोलते कभी गलती से। और उल्टा मैंने जो है ब्लैक पैंट पहन रखी है, उसमें और ज्यादा गर्मी लग रही है भाई साहब। ठंड तो इतनी कड़ी है, देखो ये देखो पसीने गिर गए। हाँ ठंड बहुत कड़ी है भाई। जो सामने इतना बाउंड्री दिख रही है ना, यही कॉलेज दिखा रहा भाई गूगल मैप। तो गाइस कॉलेज तो मिल गया, गेट नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं गेट को। ये गेट भी ढूंढ रहे गूगल का कह रहा है। कॉल देखिए गेट ही नहीं, इतना बड़ा गेट। तुम्हें जाना ही तो है, कौन से डांस वांस करना है ना। बहुत बड़ा फिर भी कह रहा हूँ, इतना बड़ा गेट। क्या नाम है? राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय। पहला तो 8 तारीख को यही पड़ेगा ना। एंट्री गेट यही है, कोई और था ये भी गेट एक पीछे भी, लेकिन इसके बिल्कुल पीछे। अच्छी बात है, थैंक यू। पानी भर ले किसी में, बोतल भरी हुई। सो गाइस ये अपना कॉलेज सेंटर दी। बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज। कॉलेज तो बढ़िया, बस अपने को क्या करना, पेपर देने आना है यार। सो गाइस ये था अपना सेंटर कॉलेज, देख लिया। और भाई सबसे बड़े वो बंदे थे जो भाई हमें मिले ना, उन्होंने हमें अंदर भी बुलाया, पानी पिलाया बैठा के, आराम से पंखा भी चलाया बकायदा। बाकी जिनके पास जो जो भी सुविधा थी, पानी पिलाया, एसी के नीचे पंखा चलाया। बाकी सेंटर ने देख लिया, बहुत बढ़िया था। अब जा रहे हैं सीट भाई का सेंटर देखने के लिए। किधर है भाई? इधर ही है। कितने किलोमीटर है भाई आगे? चलो गाय गाय इधर जा। देख रहा है ये लड़का कंपनी को पागल बना रहा है, माउंटेन ड्यू में पानी भर के पी रहा है। देख लो भाई फेक प्यूपल, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे। सतर्क नहीं होता वो, सतर्क होता भाई। हाँ सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे द कमल ठाकुर ब्लॉग्स। यस लाइक करें, फॉलो करें, स्ट्राइक मारने की सोचना गाइस। अगर तुम्हारा भी हमारा, हम एड्रेस वैसे उसमें डाल देंगे, क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कभी बीए वगैरह हो कॉलेज का, इधर अगर आए हो, हमारे सेम एड्रेस हो तो उस एड्रेस पे गूगल मैप पे डाल के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर लोकेशन आपको मिल रही है एंड कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा सीन नहीं है कि गूगल बता कहीं हो रहा है, कॉलेज कहीं हो रहा है, इसलिए तुम पहले चेक करने आए। हमने बेस कर लिया है और हम आपको करेक्ट लोकेशन बताएंगे इसका। एक पेड़ के नीचे रुके भाई, जो हमें छाया दे रहा। नहीं इधर नहीं रुकना तुम्हें, जा रहे ये क्या सामने? ये तो मुझे घर लग रहा है, कॉलेज कहाँ से लग रहा है? यही है क्या सच में? अरे भाई कैसा कॉलेज है ये, पहले ही दिन, पहली बार देखा जिंदगी में। वाह पर तुझे तो वीआईपी मिला एकदम, द स्कूल का स्कूल मिला है तुझे। और चेक करियो भाई ये तो कट रही जहर लग रहा दिखे भाई अंदर से, तो भाई पूरा भाई वीआईपी मामला दे रहा टीटू। अकेला है तू, ध्यान रखियो अपना थोड़ा सा। और देख ओरलियंस स्कूल टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट है, यही तो है, इसमें जाऊंगा मैं। ओरलियंस ही तो लिखा है इस पे, देख वहां पे जा पता कर गया, कंफर्मेशन कर ले यहाँ पे आने का फायदा क्या हुआ। पर दोबारा भागो कहीं ना कहीं, वही तो। अब नहीं ये नहीं होगा तो हम कहीं ढूंढेंगे फिर, यही है बेटे वीआईपी। कसम से यार कॉलेज का कैडा लग रहा है, स्विमिंग पूल है, क्रिकेट है भाई, खेलने में तैरने में लग जाइए। पेपर देने आना तुझे भाई, पेपर देना। अब करने भी तो नहीं देंगे, बैग आनी नहीं, बैग आनी नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। पहले आ गया तो थप्पड़ थप्पड़ है फिर। ये है उसके अंदर की गली है भाई, स्कूटी के पैर टूट गए, ये देखो फिर भी खड़ी है, फिर भी खड़ी है। अब लेट ही है, वो लेट मार रही है, तो सब मार रही है वो अभी। हाँ अब कैसा लगा कॉलेज देख कर, ये बता भाई। भाई कॉलेज में एक जेन्युइन था, उसे जेन्युइन नहीं बोलते, जेन्युइन बोलते हैं, सॉरी भाई था, मतलब अति सुंदर था। अब बोल अति अति सुंदर बोलते हैं, सुपर अति सुंदर था। और इनका कॉलेज भी बढ़िया ही था वैसे, पेपर देने आना है हमें कौन सा क्या करना है। बट लेकिन अगर उस स्कूल में जिसमें मेरा सेंटर पड़ा है, उस स्कूल में कोई भी बंदा अगर एडमिशन लेता भाई, प्रॉपर हर चीज़ सिखाई, स्विमिंग रहे, डांस भी सिखाया जाएगा, क्रिकेट भी, सब कुछ। बड़ा अच्छा स्कूल है भाई। भाई रोहिणी में घूमते घूमते जे जे वाले भैया के पास भी घूम गए, अंदर होंगे वे? हम वैसे यहाँ नहीं आए, हम तो जा रहे थे इसलिए दिखा दिया आपको। सो गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए हो तो लाइक करना। देखो भाई
हम जहाँ भी जैसे भी निकले घूमने के लिए हमने वीडियो बनाई भाई आपके लिए। बस आपका काम ये है कि बस आपको वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये जो वीडियो थी सिर्फ एड्रेस वगैरह मतलब प्रॉपर दिखाने के लिए थी, और बाकी हम आगे फन करेंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट बेल आइकन ऑन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल नहीं आई हो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें बताना कैसी लगी वीडियो आपको। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, राम राम जी। क्या बस का वेट कर रहा है क्या? आ तो हाँ यार बैठ जा। मैं भाई कितनी गर्म हो रही है ये।